है तो हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन, और वहाँ पे सीएम साहब भी आए हुए हैं। हाँ, मोहसिन नकवी साहब आए हैं। हमारा राबता हो चुका है उनसे, तो कोशिश करते हैं आपको वो भी कैमरे में दिखाने की। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। जिस और अली के लिए यार जुबैर भाई को अलविदा करते हैं, और हम जाते हैं भाई, अभी हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन, तो वहां जाके इंटरव्यू करना है, और उसके बाद एक आध और इंटरव्यू हमने करना है, फिर देन वापसी के लिए हम जाएंगे भाई। अभी हमें पता नहीं, एक दो दिन लग जाते हैं भाई। खैर जुबैर भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई जान। भाई दिक्कत है यार, फिर जुबैर भाई को अल्लाह हाफिज़ कर दिया हमने गुलबर्ग की सड़कों पर। आए आए बचियाँ बजे आए थे भाई, बजे आए थे भाई। चलते आ जाए। तालिब की पांच बेटियां भी लाहौर में ही मदफून हैं। इन पांच बेटियों के नाम उम्मे हानी, उम्मे हजरत मुस्लिम बिन अकील की सोजा हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अभी तालिब की पांच बेटियां भी लाहौर। पहुंच चले यार हम लोग, यार लेट हो गए भाई, लेट हो गए, बहुत टाइम लगता लाहौर में यार, थक भी गए यार बहुत ज़्यादा जी। इस वक्त हम बीबी पाक दामन की हदूद में पहुंच चुके हैं। एंड भाई थोड़ी सी तारीख भी बता दें यार उनकी। बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम हजरत मुस्लिम बिन अकील की शादी हुई जनाबी रुकैया, जनाबी रुकैया हैं हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी, और इनकी अम्मी का नाम है जनाबी उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन के चार बेटे हैं, मगर एक बेटे का जिक्र मैं करता हूँ जिसका नाम है अब्बास। अब्बास की सगी बहन को रुकैया कहा जाता है, और आज हम जनाबे रुकैया की खिदमत में हाजिरी देंगे, उन्हीं को बीबी पाक दामन कहा जाता है। तारीख ये है, बाकी प्रोग्राम में बताऊंगा, सब यही बता दो भाई। सही हो गया। तो बाकी बताना आपको ये जरूरी समझता हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हो जाएगी भाईजान 13 रजब। जी हाँ भाई, मगरिब के बाद इंशाल्लाह 13 रजब भी हो जाएगी। ये मैं इंशाल्लाह कल के दिन कैसे करेंगे ना। हाँ, 13 रजब भी है क्योंकि जश्न भी है, तो हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन, और वहाँ पे सीएम साहब भी आए हुए हैं। हाँ, मोहसिन नकवी साहब आए हैं। हमारा राबता हो चुका है उनसे, तो कोशिश करते हैं आपको वो भी कैमरे में दिखाने की। तो चलते हैं इंटरव्यू भी करते हैं, और आपको दिखाते भी हैं जश्न का जो माहौल होता है यहाँ पे। वैसे भी माशाल्लाह साफी है भाई, सीनियर साफी काम हमारे भी अच्छे हैं भाई। नहीं, हमारे तो हमसे सीनियर है भाई। तो खैर चलते हैं, आपको जश्न का माहौल भी दिखाते हैं भाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्योंकि कल जश्न की वजह से मेरे ख्याल में ना वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सारे। हाँ, तो अभी आपको दिखाते हैं भाई माहौल जो है यहाँ का। चले भी यार, मुझे नहीं पता भाई। ले हम हदूद में दाखिल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रश है, प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है यहाँ। तो खैर आपको ये छोटे छोटे स्टॉल हैं, ये भी देखते जाएं यार। हाँ, तो अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, बस हो गया। A few moments later. हम पहुंच चुके हैं भाईजान
ये आप देख सकते हैं बीवी पाक दामन। रश बहुत ज़्यादा लगे ये तारीख छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां हैं जो रास्ता जाता है बीवी पाक धाम, उसके साइड पे जो गलियां हैं ये देख सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ यार, ये हैदराबाद, ये भी बिल्कुल इसकी सारी जो है तमीर जो है इसकी नहीं हुई है, इनॉग्रेशन की है वज़ीर आला पंजाब ने। मगरी के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जश्न होगा, जश्न का सिलसिला होगा मगरी के बाद, मगरी के बाद होगा। हाँ बेहतरीन जश्न है भाई तेरा रंग। ये कुछ मेरे ख्याल में अभी टाइम क्या हो गया, अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल में तीन बज गए मेरे ख्याल में, एक डेढ़ घंटे तक शुरू हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा मामला देख लीजिए यार, जश्न का माहौल ना शुरू होना शुरू हो गया है। ये सारे के सारे जो है ना न्यू बिल्कुल तमीर हुआ है, इसकी नेगोशिएशन करने आए थे वज़ीर आला पंजाब से। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मगरिब के बाद जश्न होगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हम यहाँ पर हो तो हम भी आपको ज़रूर दिखा देंगे भाई। आपको ना बाद में अब दिखाते हैं क्या सिलसिला यहाँ पे, जब लास्ट पे आप लोग देख लेंगे। यार आखिर पे आप लोग ये देखें यार, और हमारे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना, कमेंट भी कर दिया करें यार, कुछ भी होने लगा यार, अपनी पाक धरतियाँ आपको दिखा रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में भाई, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग होगा। चलते हैं अपनी गाड़ियों की तरफ और वापस चलते हैं भाई घर। इस तरह से आए थे भाई हम, इस तरफ से ही आए थे भाई। चलो अभी